नया टॉपिक लोक नाट्य या लोक नाटक। गौरी इसको गौरी नृत्य नाटिका भी कहते हैं। इसको गौरज्य भी कहते हैं। शिव पार्वती और उनसे संबंधित, भगवान शिव और पार्वती से संबंधित कथाओं पर आधारित है। जैसे कथा सुनी होगी भस्मासुर, भस्मासुर की कथा भी इसमें होती है। मुख्य रूप से भीलों का है, लेकिन जहां भील रहते हैं और दूसरी जनजातियां रहती है वो भी उसमें भागीदारी होती है उनकी भी, लेकिन मुख्य रूप से किसका है? भीलों का। देखो देखो शिव पार्वती कथा पर आधारित है। मुख्य रूप से भीलों का लोक नाटक है ये। चालीस दिन चलता है। कब से कब तक? रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होता है। रक्षाबंधन के बाद 40 दिन तक। रक्षाबंधन कब आती है? बाद में रक्षाबंधन। रक्षाबंधन भादे में आता है तो श्रावण में क्या आता है? महीना कौन सा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महीना प्रश्न आता है कि रक्षाबंधन का त्योहार आता है भादवे की पूर्णिमा को, भादवे की अमावस्या को, श्रावण की पूर्णिमा को, श्रावण की अमावस्या को, श्रावण पूर्णिमा को आता है ना? सावन पूर्णिमा को आता है तो इसका मतलब सावन तो चला गया, गया ना पूर्णिमा। तो कब मनाया जाता है ये कब होता है? भादवे में, भादवे के 30 दिन। भादवे के बाद क्या आएगा? आशोच या आश्विन कह दो, आश्विन। यानी ये कब होता है? ये भादवे और लिख लो भाद्रपद और आश्विन माह में आयोजित होता है। भादवा और आश्विन माह में आयोजित होता है। इसमें सभी पात्र पुरुष होते हैं। पात्र सारे पुरुष होंगे। अगर कोई महिला पात्र की भूमिका भी निभानी है तो पुरुष ही निभाएगा। यानी एक प्रकार से अलग अलग पुरुष है वो मुखौटे धारण करेगा। यानी एक प्रकार से स्वांग धारण करेगा, मुखौटे धारण करेंगे। यू ही नहीं होता है कि चलो आज से शुरू कर देते हैं, ऐसे नहीं है कि सावन गया और दीपा रक्षाबंधन चला गया अगले एकम से शुरू कर दिया, ऐसे नहीं होता है। ये जो भील है अपने जो देवता हैं उन देवताओं के सामने आखा लेते हैं। आखा समझ गए ना? आखा
आंखा लेते हैं और उन आंखाओं के आधार पर फिर उन आंखों को उछालते हैं, दाएं गिरे या बाएं गिरे उसके अनुसार फिर इसका समय निर्धारित होता है कब शुरू करना है। फिर जितने भी पात्र होते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, केवल बातें हैं, पूछेंगे नहीं वैसे, जितने भी पात्र होते हैं उनके कपड़े सिलाए जाते हैं, तारों के नए कपड़े सिलाए जाते हैं, तब जाकर के ये शुरू होता है। और ये दिन में होता है, रात में नहीं होता। और मुख्य रूप से गांवों में होता है क्योंकि भील कहाँ रहते हैं, गांवों में। इस नाटक से दो काम हो जाते हैं, एक तो मनोरंजन हो गया, मनोरंजन हुआ, परंपरा का निर्वाह हो गया, परंपरा का निर्वाह हो गया, और दूसरा खेत की रखवाली भी हो गई। तो रखवाली क्यों जरूरत है, क्योंकि इस समय धान छोटा ही होता है, गाय गोदे हाँ दोनों काम हो जाते, वैसे पूछेंगे नहीं। पूछने वाले जो पॉइंट है, कौन से महीने में होता है, एक तो ये ध्यान रखना, एक ये ध्यान रखना है, एक ये ध्यान रखना है, ये सारे पूछे हुए हैं। बीलों का सबसे लोकप्रिय नाटक कौन सा है, तो गौरी है। समझ गए, नहीं इनमें बहुत सारे हैं, 40 दिन तक चलता है ना, तो हर दिन कोई न कोई कथा लेकर के उस कथा का मंचन होता है। ये क्यों नहीं है कि नाच रहे हैं, गा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। एक नोट करके लिखो, प्रत्येक दिन कथाओं का नाट्य रूपांतरण होता है, कथाओं को नाटक के रूप में पेश किया जाता है। कथाओं को नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और अलग अलग कथाएं होती है, जिसमें देवता भी होती है, देवता देवियां भी होती हैं, राक्षस भी होते हैं, दानव होते हैं। समझ गए ना, जैसे भस्मासुर क्या था, राक्षस था। कपड़े भी फिक्स होते हैं कि अगर लाल और पीले कपड़े होंगे तो वो देवताओं के फिक्स कपड़े हैं, कौन कौन से, लाल और पीले, और राक्षसों के नीले और काले कपड़े, ये फिक्स है। अभी भी देखो आप कहीं देखे हैं काले कपड़ों में, कुछ भैरू जी है ना काले कपड़ों में, भैरू जी नहीं है, है? लाल कपड़ों में, नहीं सारे भैरू जी लाल कपड़ों में नहीं होंगे, शनि भगवान के काले कपड़े, वो तो लक्ष्मीनाथ जी के तो फिक्स है, लगभग पीले कपड़े होते हैं। हाँ हाँ काले कपड़े का मतलब है केवल राक्षस ही नहीं, जो दूसरे देवता है ना उनके लिए होंगे, लेकिन इसको शनि भगवान क्रूर देवता थोड़ी है। नहीं शनि देवता न्याय के देवता है, लेकिन ये क्रूर नहीं है, ये आप अगर गलत करोगे तो आपको उसका दंड मिलेगा, और सही करोगे तो आप खुद न्यायप्रिय काम करो, शनि भगवान कुछ नहीं करेंगे।
बिल्कुल सही है ये, लेकिन किसके साथ क्रूरता करेंगे? जो गलत होगा, आपका रास्ता ही गलत है, आप जुआ खेलते हो तो ये तो अन्याय करेंगे आपके साथ। आपको जुआ खेलना कोई अन्याय थोड़ी, अन्याय है, गलत है। समझ गए, बात यही है कि लाल पीले देवताओं के, देवी देवताओं के, काले और नीले राक्षस दानवों के। रम्मत कब होती है? होली पर होती है। कहाँ होती है, कौन कौन सी जगह पर है? बीकानेर में? नहीं, बीकानेर ऐसे नहीं, पोकरण में होती है। पोकरण जैसलमेर में होती है, और कुछ कुछ जोधपुर में होती है। मुख्य रूप से बीकानेर और जैसलमेर। रमन होली के अवसर पर होती है। पात्र सारे पुरुष होते हैं, कोई महिला नहीं होती है। अगर महिला पात्र की भूमिका निभानी है तो पुरुष ही निभाएगा। ये भी एक प्रकार का स्वांग नृत्य है, स्वांग नाट्य है। कुछ कुछ रमते हैं, देखो लड़ाऊ मेरी रमत। अमर सिंह राठौड़ी रमत। पकड़ दातारी रमत। और कौन सी है? शहजादा नौटंकी। कौन हाँ, स्वांग मेरी भी है। सबसे प्रसिद्ध ये है अमर सिंह राठौड़ वाले, फिर लड़ो मेरे, लिख लो इनके नाम, पूछे हुए। बीकानेर में तो मुख्य रूप से होती है, बीकानेर की फेमस है ये, वैसे सब जगह होती है। हेडाउ मेरी की बीकानेर की है नहीं? हाँ, बीकानेर की होली। बस होली मतलब किसको कह रहे हो? रमते हैं। हाँ, वो भी होली, होली वाले दिन नहीं, होली से पहले वाली जो रमते होती है ना, जो इनकी व्यासों और हर्षों की जो डोल चीमार, वो प्रसिद्ध। पानी के प्लास्टिक के ठेले होते हैं, उसे पानी करके पानी लगाते हैं, आपस में लगाते हैं। दूसरों को नहीं लगाते, दूसरों से कोई मतलब नहीं है। ये थोड़ा ध्यान रखना। इनके प्रसिद्ध जो पुराने कलाकार हैं, अब तो वैसे नहीं, जैसे फागु महाराज, सुआ महाराज, तुलसी राम जी, ये पुराने कलाकार हैं। फागु महाराज, सुआ महाराज, तुलसी राम जी,
प्रश्न सीधा आता है, प्रश्न सीधा आएगा, चार लोग नाटक दे देंगे और चार जगह दे देंगे, मिलान करो या बेमेल छांटो, सबसे टफ प्रश्न यही है इसका। या फिर सीधा रम्मत लोक नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का। अभी तक तक देखो किसी भी दो नाटक किए हैं अपने, दोनों में महिलाएं भाग नहीं ले रही, एक जगह महिलाएं भाग लेगी जयपुर में। तमाशा, तमाशा होता है नाटक ही तो है, कहते हैं क्यों तमाशा कर रहे हैं, वो वाली है तमाशा। जयपुर का प्रसिद्ध है और जयपुर का प्रसिद्ध है भट्ट परिवार से संबंधित है। भट्ट परिवार जैसे बंसीधर भट्ट, गोपी भट्ट, वासुदेव भट्ट और भी बहुत सारे, आपको तो केवल एक का ध्यान रखना है, बंसीधर भट्ट का ध्यान रखना, भट्ट परिवार से संबंधित है, इसके कलाकार हैं सारे। बंसीधर भट्ट का ध्यान रखना है, क्यों ध्यान रखना है कि जो जयपुर के एक शासक हुए हैं प्रताप सिंह, इन्होंने एक कलाकारों की स्कूल खोली थी, कलाकारों की स्कूल मतलब इसे सभी प्रकार के गायक कलाकार, संगीतकार, नाटककार, कुछ साहित्यकार, उनका एक उनको उनका पोषण करने के लिए, उनके कला को बढ़ावा देने के लिए एक इमारत का निर्माण करवाया जहां पर वो उनका संरक्षण दिया गया, उसको क्या कहते हैं गुणीजन खाना। और ये जो बंसीधर भट्ट है वो इसी गुणीजन खाने के सदस्य थे, समझ गए, नोट करके लिखो। जयपुर के शासक प्रताप सिंह के द्वारा स्थापित गुणीजन खाने में, गुणी जन खाना खाने में इनको संरक्षण दिया गया था, बताया था कि सभी लोक नाट्यों में स्त्रियों की भूमिका पुरुष निभाते हैं, लेकिन इसमें स्त्री पात्रों की भूमिका कौन निभाता है, स्त्रियां ही निभाती हैं, ये नोट करके लिख, स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां निभाती है। न कि पुरुष, उस समय की
किस समय की? प्रताप सिंह के काल की। एक महिला पात्र गोहर जान, नोट करके लिखना। प्रमुख महिला पात्र या प्रसिद्ध महिला पात्र गोहर जान थी। कौन थी? गोहर जान, ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इंपॉर्टेंट है। और अगर ये प्रश्न आते थे बहुत टफ वाले प्रश्न, क्योंकि सामान्य जो टॉपिक पढ़ते थे इतना ध्यान कौन देता है कि स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां निभाती है, लेकिन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट पर स्वांग, भरतपुर का प्रसिद्ध है, होली के अवसर पर होता है। कब होता है? होली के अवसर पर। ये होली के अवसर पर ही क्यों होते ज्यादातर? ये थोड़ा सा अलग टाइप का भी है, ये खुला लोक नाट्य है। खुला मतलब कोई मंच की जरूरत नहीं होती है, बहरूपी होते हैं। हाँ बहरूपी होते हैं, बहरूपी है। अब तो पता नहीं है कि नहीं है, पहले गाँव में बहरूपी आते थे, गाँव में ही रहते थे 20-25 दिन, महीना दो महीना तक लगभग उसी गांव में रहते थे, और रोज कोई न कोई एक रूप धारण करके आते थे, कोई न कोई रूप। होली के अवसर पर इसलिए आते थे क्योंकि होली के आसपास ही क्या आ जाता है, नया अनाज आ जाता है, इस वजह से होली के अवसर पर ये। ये 13वीं-14वीं शताब्दी का नाटक है, शुरुआत इसकी 13वीं-14वीं शताब्दी में। भरतपुर ध्यान रखना बस, और इसको मंचन करने वाली जाति यानी जो स्वांग धारण करते हैं वो रावल जाति के लोग होते हैं, नोट करके लिख लेना। रावल जाति के लोग हैं वो मंचन करते हैं। रावल राजपूत नहीं होते, वो तो वो एक अलग है। रावल राजपूत, एक रावल राजपूत है, एक रावणा राजपूत है। रावल एक चूं राजपूत नहीं है, रावल तो उपाधि है। रावल जाति के लोगों के द्वारा स्वांग रचा जाता है। ब्रैकेट में बहरूपिया लिख सकते हो, ठीक है ना, बहरूपिया। इसका प्रसिद्ध कलाकार जैसे बंसीधर भट्ट था प्रताप सिंह के काल में, ठीक है, ऐसे ही स्वांग का प्रसिद्ध कलाकार जो प्रारंभिक कलाकार है एक तरह से, वो है धनरूप भांड, और ये हैं मान सिंह का समकालीन, मिर्जा राजा मान सिंह, जयपुर वाला। देखो धनरूप भांड ये मान सिंह का समकालीन है, मान सिंह ने इसको जागीर दी थी, जमीन खेत दिए थे धनरूप भांड को। मान सिंह ने इसे जागीर प्रदान की थी,
और एक है जानकीलाल भांड, ये तो वर्तमान में है शायद, जानकीलाल भांड। भीलवाड़ा के जिन्हें मंकी मैन भी कहते हैं, जानकीलाल भांड भीलवाड़ा के, इन्हें मंकी मैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंकी मैन। पूछा हुआ कहीं एग्जाम, ये भी इम्पोर्टेंट है, सीधा याद कर लेना इसको, इसको भी। तमाशा के बंसीधर को भी याद कर लेना। नौटंकी नाटक है। अलवर भरतपुर धौलपुर में होली के अवसर पर होता है। इसके कलाकार हैं प्रारंभिक मुख्य कलाकार, जैसे था ना बंसीधर हैं, चंद्रू बांड हैं, वैसे ही बुरीलाल और नत्थाराम इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। नत्थाराम नत्थाराम नौटंकी में कितने वाद्य यंत्र बजाते हैं? इसमें 9 वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं नौटंकी में। नहीं नहीं, वाद्य यंत्र तो है सब में, सब में है। जैसे तमाशा में द्रुपद है, द्रुपद गायन होता है, द्रुपद वाद्य यंत्र बजाया जाता है। हाँ रमत में नगाड़ा वादन होता है, बाकी बजाओ कुछ बजाओ लेकिन मुख्य मुख्य वाद्य यंत्र नगाड़ा है। अब हेडिंग डालो ख्याल। ये सारे अभी जो देखे हैं ये सारे एक प्रकार के नाटक थे। अब है जो भी करेंगे अपन वो सारे हैं ख्याल हैं। ख्याल भी वो एक ही बात है। ख्याल में क्या होगा? कोई भी ऐतिहासिक विषय वस्तु को पेश करना, जैसे कोई कोई नए ख्याल भी पेश कर देते हैं, जैसे चौराहे पर नौटंकी होती है ना, देखिए नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक क्या है? वर्तमान के किसी भी विषय को लेकर के जनता तक संदेश पहुंचाना, ये भी ऐसा ही है। बस ये सामाजिक होता था, धार्मिक होता था, ऐतिहासिक होता था, राजनीतिक नहीं होता था। ख्याल का मतलब एक तरह से
विचारों की अभिव्यक्ति है, विचारों की लिख लो। और वो विचार कौन से हो सकते हैं? सामाजिक हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं, ऐतिहासिक हो सकते हैं। अब इन ख्यालों में आपको दो ही चीज ध्यान रखनी है, ख्याल का नाम और उसका प्रवर्तक। ख्याल का नाम तो याद रखना ही है, प्रवर्तक और क्षेत्र कौन सा है, इसके अलावा कुछ ध्यान नहीं रखना। जैसे देखो, ऊंचामनी ख्याल, इसके प्रवर्तक लच्छी राम जी। देखो, ऊंचामनी ख्याल लच्छी राम जी, सीधा ये पूछेंगे दूसरा। देखो, सिखावाटी या चिड़ावा ख्याल, नाम से स्पष्ट है चिड़ावा कहाँ है, हैं? चिड़ावा झुंझुनू में तो है। इसके प्रवर्तक है नानू राम, नानू राम। ये नानू राम खुद चिड़ावा के रहने वाले थे। और उनके शिष्य थे एक दुलिया राणा। किसके शिष्य? नानू राम जी के शिष्य दुलिया राणा। दो चीजें ध्यान रखनी, सिखावाटी ख्याल कहाँ कौन, नानू राम। ऊंचामनी ख्याल कौन, लच्छी राम। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तुर्रा कलंगी, तुर्रा कलंगी। ये वैसे मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश में एक जगह है चंदेरी। चंदेरी जो क्षेत्र है वो इसका उद्गम स्थल है। देखो, उद्गम स्थल एमपी मध्य प्रदेश चंदेरी में। है ना, इसके जो प्रवर्तक है दो नाम आते हैं, एक है तुकनगिर और एक है सहाली प्रवर्तक, तुकनगिर और सहाली। हाँ, जो तुकनगिर है वो शैव उपासक यानी भगवान शिव का उपासक है, और शाहली है वो शक्ति माता जी का उपासक है।
तुर्रा है, इसमें दो अलग अलग प्रकार के कलाकार होंगे, दो अलग अलग पात्र होंगे। जो तुर्रा है वो शिव जी का प्रतीक होगा और कलंगी है वो पार्वती जी, ये ध्यान रखने वाली बात, नोट करके लिख लेना। तुर्रा शिव जी का प्रतीक है, कलंगी पार्वती का प्रतीक है। तुर्रा कौन है इसमें से, इन दोनों साली और सुकनगीर में से? हाँ, किसके उपासक है? सेव। और ये कौन है? शक्ति। ध्यान रखना है, ये सारा का जो घटनाक्रम है वो मध्य प्रदेश के चंदेरी का है, ठीक है? कहाँ का है? मध्य प्रदेश के चंदेरी का, अभी राजस्थान में अभी कुछ नहीं है। और राजस्थान में कहाँ पर है ये? राजस्थान में चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, गोसुंडी, सारे चित्तौड़गढ़ में ही है दोनों। इनका ध्यान रखिए। प्रवर्तक है ये, कुचामणि ख्याल का लच्छीराम जी, शेखावाटी के नानू राम जी और उनका शिष्य तुलिया राणा, गुरु चेले हैं दोनों। अली बख्शी ख्याल अलवर में, प्रवर्तक अली बख्शी है, ये प्रश्न आते हैं ना इसका, नौटंकी का, लोक नाट्यों का, तो ये जो अभी कर रहे हैं ना, रमत से ज्यादा नहीं पूछे जाते। जब भी देखो पुराने पेपर देखोगे ना, आपको यहाँ से ही मिलेंगे प्रश्न, इसको यहाँ से और अली बख्शी का मिल जाएगा। इसके अलावा ये पूछा हुआ है, हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? हेला, हेला, हेला मतलब ये सारे क्या है? ये गायन शैली में अपनी बात बताना और वापस गायन शैली में वापस बात को कहना, कवाली होती है ना, कवाली स्टाइल में है सारे। इस विषय वस्तु सारी सामाजिक, धार्मिक और ऐतिहासिक होगी। हेला ख्याल में, हेला किसको कहते हैं? हाँ, कैसे दे दिया जाता है? लंबी टेर, अपन किसी बुलाते हैं ना, लंबी आवाज के साथ दिया जाता है हेला, नहीं देते क्या? ए इधर आ, तो ये नहीं, हाँ लंबी आवाज के साथ, ताकि वहां तक आ जा पहुंच जाए। तो और कहते हैं कि इसका प्रारंभ है वो इस जाति ने किया था, हेला जाति ने, प्रवर्तक हेला जाति के कलाकार है। और एरिया है इसका, सवाई माधोपुर, लालसोट, दोसा, सवाई माधोपुर, लालसोट और दोसा।
और वाद्य यंत्र सब में ढोलक, नगाड़ा, हारमोनियम, नौबत। नौबत क्या होता है? मंजीरे तो वो होते हैं, नौबत, डिग्गी पुरी का राजा था, अरे बाजे नौबत बाजा, डिग्गी कल्याण जी में मंदिर है डिग्गी पुरी के राजा का। नौबत बड़ा नगाड़ा होता है, उसको बोलते हैं नगाड़ा, नौबत। अली बख्शी ख्याल कहाँ कहाँ है? एक है डपली ख्याल, वो भी अलवर का है। डपली ख्याल अलवर का, इस पर ये दोनों लगभग एक जैसे ही है। एक लिख लो, देखो अली बख्शी के समान है, ये अली बख्शी के समान नाटक है। कोई प्रवर्तक नहीं है इनके, कन्हैया ख्याल भरतपुर। डोसा करौली, माधोपुर, कन्हैया ख्याल। रामलीला क्या है? भरतपुर, करौली, दोसा, साई माधोपुर। रामलीला क्या है? हटी मंजन है, भगवान राम की कथा जीवन पर आधारित। कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की, वो तो दशहरा प्रसिद्ध है कोटा। रामलीला पूरे पूरे राजस्थान में है इसका, नहीं जयपुर की एक अलग बात है। पूरे यानी सर्वाधिक विस्तारित लोक नाट्य है, सब जगह होता है ना। एक भी गांव, बड़ा गांव है, छोटा गांव की बात है, बाकी अलग है, लेकिन बड़ा गांव है तो निश्चित रूप से उसका मंचन होगा। तो लिखो सर्वाधिक सर्वव्यापी लोक नाटक फैला हुआ लोक नाटक और वैसे जो ज़्यादा जो लोकप्रिय हैं वो है भरतपुर का और एक बिसाऊ। कहाँ है बिसाऊ? जयपुर में या सीकर में? बिसाऊ का वहाँ पर मूक रामायण होती है। क्या होती है? मूक रामायण, बोलते नहीं है, पात्र बोलेंगे नहीं, इशारों में समझाएंगे, इशारों में भाव भाव, ये थोड़ा ध्यान रखना। पूछा हुआ नहीं है कभी भी, पूछ सकते हैं।
मूक रामायण बिसाऊ के। दूसरे को रासलीला, वहां पर है ये अलवर भरतपुर धौलपुर साइड में जाता है रासलीला, अपने यहाँ भी होती है लेकिन कम है, बड़े बड़े जगहों पर ही होती है। जैसे यहाँ लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में होती है, होती है क्या? नहीं होती, होती है नहीं? लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में होती है होली पे, देखिए यहाँ तो काम है नहीं देखी। रासलीला के प्रवर्तक और रामलीला के प्रवर्तक, रामलीला के प्रवर्तक कौन है? जिन्होंने पहली बार रामलीला का कॉन्सेप्ट दिया। तुलसीदास जी। और रासलीला का वल्लभाचार्य, रासलीला का वल्लभाचार्य जो पुष्टि मार्गी संप्रदाय के संस्थापक है, वल्लभ संप्रदाय के, पुष्टि मार्गी संप्रदाय के। और लास्ट नाटक लिख दो चार बेत लोक नाट्य या ख्याल, टोंक में लोकप्रिय है, ये टोंक में प्रचलित है, टोंक में। ध्यान रखना है, सारे इंपॉर्टेंट है। रम्मत को छोड़ सकते हो आप, स्वांग को छोड़ सकते हो, स्वांग क्या गौरी नाट्य को छोड़ सकते हो, बाकी को नहीं छोड़ना है। प्रश्न सीधा नहीं आता है, प्रश्न चार नाटक दे देंगे, चार क्षेत्र दे देंगे या उनके प्रवर्तक दे देंगे, जैसे दे दिया चार बेत, हेला, डपली और स्वांग एरिया दे दिया, सीधे सीधा पूछते हैं, वरना एक दे दिया चार बेत, ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है, तुर्रा कलंगी का पूछा हुआ है, सारे पूछे हुए हैं, कोई भी पेपर उठा के देखना, हर पेपर में एक प्रश्न मिल जाएगा। और विशेषकर जो अधीनस्थ सेवा बोर्ड है उसमें तो निश्चित रूप से पूछते हैं। अधीनस्थ सेवा बोर्ड की विशेषता क्या है, सिलेबस में अगर 10 पॉइंट दे रखे हैं ना तो प्रत्येक पॉइंट से प्रश्न उठाता है, छोड़ता नहीं है कि एक पॉइंट छोड़ दिया नहीं उठाया प्रश्न, नहीं, आरपीएससी ऐसा नहीं करती। आरपीएससी पता चला 4 से 10 प्रश्न बना दिए या 20 प्रश्न बना दिए और बाकी से छोड़ दिए, ये थोड़ा ध्यान रखना, इसलिए इनको एक टेबल बना देना, लोक नाट्य, क्षेत्र और प्रवर्तक, ताकि टेबल बनाओगे ना घंटा भर लगेगा टेबल बनाने में, तो टेबल बनाने में ही याद हो जाए, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन प्यार मन से बना इसके लेकर एकदम लाइनें खींच कर बढ़िया तरीके से बनाओगे तो एक घंटे में याद हो जाएगा सारा सारा। और ऐसे रफ टाइप का बनाओगे कितनी बार पढ़ लो याद नहीं होगा,